हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना ट्रायंगल, जो कि लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो इसमें हमने पिछले लेक्चर में देख लेते हैं क्या क्या स्टार्ट क्या क्या किया था। तो पिछले लेक्चर में हमने जो किया था वो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर पढ़ा था, मीडियन के ऊपर, एल्टीट्यूड के ऊपर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस क्या फार्मूला लगाया है, कौन सा सेंटर उस पर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने एक बार रिवाइज किया था। ठीक है, तो एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो फार्मूले वगैरह क्या पॉइंट आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ये चीज़ हमें पता लगाई थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं अपने, वो आपके कुछ प्रॉपर्टी या कुछ थ्योरम वगैरह आपके ऊपर बेस है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, लेकिन ट्रायंगल के भी दो रूप होते हैं। कौन कौन से? एक तो कॉन्ग्रेस होता है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट। और दूसरा जो ट्रायंगल होता है वो अपना सिमिलर ट्रायंगल होता है, सिमिलर। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, राइट। तो इसका हम हिंदी में मीनिंग जान लेते हैं। तो आपका कॉन्ग्रेंट जो होता है वो सर्वांग समता होता है, ठीक है, सर्वांग समता त्रिकोण, राइट। और सिमिलर में हम क्या कह सकते हैं, सिमिलर में होता है आपका समरूपता। ठीक है, तो ये इसके मीनिंग होते हैं ट्रायंगल में, ये क्या होते हैं, इसके मीनिंग होते हैं। और जो इनके साइन होते हैं वो किस तरह से होते हैं, वो इनके साइन कॉन्ग्रेंट को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, दो इक्वल इक्वल टू का निशान लगाए और उसके ऊपर ये साइन आपको देखने को मिलेगा कॉन्ग्रेंट के ऊपर। ठीक है, और सिमिलर में हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलर को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बारे में आप एक बात और जान लो कि ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल के बीच में होंगे। जब अगर आपके पास दो ट्रायंगल होंगे, दो ट्रायंगल, टू ट्रायंगल्स, जब आपके पास ये काम होगा कि कॉन्ग्रेंट कौन सा होगा, सिमिलर कौन सा होगा, और इसकी बेस पर प्रॉपर्टी क्या होगी वो भी हम चेक करेंगे। कि तो कॉन्ग्रेंट सिमिलर आपको समझ आ गया होगा। तो कॉन्ग्रेंट और सिमिलर को प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि पहले हम ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं, एक मिनट। तो एक मिनट यहाँ, सॉरी मैं इसको बताना भूल गया कि जो कॉन्ग्रेंट होता है वो क्या क्या होता है, उसके बारे में पॉइंट्स जान लेते हैं। कि कॉन्ग्रेंट में जो दो ट्रायंगल होंगे आपकी, वो क्या होंगी, सेम सेम एंगल होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर सेम। ठीक है, एक मिनट, वही सेम कोरस्पोंडिंग एंगल, बॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग मतलब साथ के एंगल, बताऊंगा कैसे। और इसमें क्या होगा, सेम सेम शेप, कि दोनों की जो होगी वो डिजाइनिंग सेम होगी, या आप ये कह सकते हो कि उनकी साइड का भी, साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एंगल भी सेम होना चाहिए और साइड भी सेम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर सिमिलर में एक पहले फर्स्ट बात तो दोनों में सेम हो जाएगी, सेम कोरस्पोंडिंग कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि इसमें सेम शेप नहीं होगी, क्या होगा कि जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जो कोरस्पोंडिंग साइड होंगी उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। मैं आपको ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे इक्वल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप डिजाइन देख लेना एक बार। तो यहां पर जो हम डिजाइन बना रहे हैं कि आपका क्या होगा, ये डिजाइन आपके लिए देखो, अगर मेरा ट्रायंगल ए बी सी ये है और ये मेरा पी क्यू आर, ठीक है, अगर ये मेरा पी क्यू आर है, तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि यह एंगल एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या पता चला मुझे एक चीज़, तो कॉन्ग्रेंट में कि
एंगल ए वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी के। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो मतलब एक साथ दिखाई दे, ठीक है। और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। एंगल क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। और एंगल सी किसके इक्वल होगा भाई, एंगल आर के इक्वल होगा। एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा, ठीक है, राइट। तो ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे सारे क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एक दूसरे के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन से तो मैंने इसको प्रूफ कर दिया, अब सेकंड लाइन से अगर हम प्रूफ करेंगे तो क्या होगा, इसका सेकंड लाइन से मतलब कि जो ए बी लाइन है वो किसके इक्वल होगी, पी क्यू के इक्वल होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए बी लाइन जो हो जाएगी वो ए सॉरी पी क्यू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सेम अगर बी सी लाइन को लें तो ये क्यू आर के इक्वल हो जाएगी, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। सेम ए सी जो लाइन होगी वो किसके इक्वल होगी, पी आर के इक्वल होगी। ए सी जो लाइन होगी वो किसके होगी, पी आर के इक्वल होगी। तो ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है, ठीक है। और जब अगर ये दोनों चीजें एक ये चीज और एक ये चीज, जब दोनों ही एक जैसे दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का जो शेप शेप होगा, डिजाइन होगा, वो सेम होगा, ठीक है। कैसे, अगर मैं इस लेंथ को मान लो तीन, तो ये पी क्यू लेंथ भी कितनी होगी, तीन होनी चाहिए, राइट। अगर मैं इसको फोर मान लूँ तो ये भी कितनी होगी, फोर होगी क्यू आर। अगर ए सी को मैं सेवन मान लूँ तो ये पी आर भी कितनी होगी, सेवन होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, एंगल मतलब सॉरी साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, सेम दिखाई देंगी। लेकिन सिमिलर में अपना ऐसा कुछ नहीं है, सिमिलर में क्या आपका एंगल तो सेम रह जाएगा। सिमिलर में आपका, एक मिनट, तो एक बार ट्रायंगल बना लेता हूं भाई मैं आपको, अब ये मेरे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है भाई। नाम क्या क्या है इनके, ये आपका एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, ये आपका पी क्यू आर ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू आर ट्रायंगल है। अब यहां पर आप समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसके भी मैंने दो पॉइंट लेके आए थे, क्या एंगल इक्वल होने चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब कि एंगल ए के इक्वल कौन सा होगा, एंगल पी हो जाएगा, एंगल ए के इक्वल कौन सा होगा, एंगल पी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी भाई यहाँ पर कॉन्ग्रेंट में एक बात लिखवाना बोल गया, अगर जब ये दोनों चीजें अगर आपको प्रूफ हो जाए तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है, किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखना कि लाइन को कैसे इक्वल किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन इस पर बहुत आते हैं, सिमिलर के बेस पर भी बहुत आएंगे। तो एक बार यहाँ सिमिलर को प्रूफ करके देख लेते हैं कि एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, यहाँ से क्या होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और जो एंगल सी होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम ये प्रूफ करेंगे। साथ में हमें क्या प्रूफ करना है, साथ में आप क्या प्रूफ करोगे कि जो इनका रेशियो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, इस साइड का डिवाइड बाई ये साइड, ठीक है, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ठीक है, इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए किसके, दूसरे साइड के, बी सी क्यू आर के, बी सी इसका रेशियो, अगर ये दोनों इक्वल हो गए या फिर एक तीसरी साइड जो बच गई वो तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी, ठीक है।
उनका रेशियो भी क्या होगा, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। ये दूसरी कंडीशन आपकी सिमिलरिटी दिखाने की, ठीक है, एक एक जैसे दिखाने की, राइट। तो ये रेशियो इक्वल होने चाहिए, कैसे बताता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर ये तीन, ये साइड मेरी तीन है तो ये साइड मेरी दो हो जाएगी, ठीक है। अगर ये मेरी साइड वन है, ये मेरी साइड टू हो जाएगी। अगर ये साइड मेरी फोर है तो ये मेरी साइड एट हो जाएगी। तो आप देखोगे इनका रेशियो आप बनाओगे तो रेशियो में आपको क्या दिखाई देगा कि ये 3/6, मतलब कट करोगे 1/2, 1/2 ऑलरेडी है, और 4/8, 1/2, 1/2 सभी वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो कोई वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू आएगी के, और के क्या है, यहाँ पर एक रेशियो को डिनोट करता है, ठीक है। के जो है वो आपका रेशियो को डिनोट करता है, के जो है यहाँ पर आपका क्या डिनोट करेगा, रेशियो को डिनोट करेगा, रेशियो को, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें कि हमने सिमिलरिटी निकालना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, और कोवेरिएंट निकालना है तो क्या यूज करना पड़ेगा। अगर सेम चीज आ जाए तो आपको मतलब क्या वो वर्ड में भी नहीं देगा, तो साइन से अकॉर्डिंग देगा। तो आपके इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो ट्रेंगल ए बी सी है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रेंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ये थ्योरम आपको प्रूफ करनी थी यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो सिमिलर इन दोनों के ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टी बन सकती है, क्या क्या थ्योरम बन सकती है, वो हम चेक करेंगे। देखो सबसे पहले थ्योरम जो बनती है वो बी पी टी बनती है, ओके, बी पी टी, बी पी टी। इसका मतलब क्या होता है कि बेसिक बेसिक प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका मतलब क्या है, ये जो थ्योरम बन के आई है आपकी सिमिलर और कॉन्ग्रेंट से बन के आई है, ठीक है। लेकिन इसमें मतलब क्या होगा, इसमें हमारा एक दो एक ही ट्रायंगल होगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक ट्रायंगल होगा, एक ट्रायंगल होगा, और उसको हम कहीं से भी कट कर देते हैं, एक मिनट भाई, इसको हम कहीं से भी कट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने आप ही कर दिया। तो यहां पर जो नेम है आपका ए बी सी ट्रायंगल होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, डी ई, ठीक है, डी ई, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो प्रॉपर्टी वही है, सेम है, जो मैं पहले ऑलरेडी समझा चुका हूँ। यहाँ पर बस आपको एक चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक कौन कौन सा आप चेक करोगे, आराम आराम से समझेंगे कि ट्रायंगल ए डी ई दिखाई दे रहा है, साथ में ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी दिखाई दे रहा है, राइट। एक तो छोटे वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक बड़े वाला, और ये क्या अपना सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है दोनों दोनों, क्योंकि साइज सेम नहीं है। यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके पास, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करते हैं उसको, तो उसी को हम बीपीटी में यूज करते हैं। और इसी पे आपका क्या आता है, क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, देखो क्या आपसे पूछ लिया जाए कि या तो पूरी लेंथ दे देगा ए बी, या ए डी लेंथ दे देगा डी बी, मतलब कुछ भी दे देगा। तो एक कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो क्या होगी, ए डी के कोरस्पॉन्डिंग ए बी होगी, अगर हम पूरा ट्रायंगल ले तो, ठीक है। अगर हम पूरी लेंथ ले तो यहां से क्या क्या प्रॉपर्टी निकल कर आ सकती है कि जो आपके ए डी है और ए बी है, ठीक है, ये रेशियो देगा किसके, ए ई
बटे AC के, ठीक है। और ये रेशियो जो देगा वो क्या देगा, DE बटे BC के। यहां पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया, वो क्या कि जो DEA है, DEA है वो पैरेलल टू है किसके, BC। ये बात आप जरूर याद रखें इस थ्योरम में, ठीक है। DE जो है वो पैरेलल होगी BC के जब भी आपकी सिमिलर होगी, और जब अगर सिमिलर होगी तो हमारा क्या निकल कर आएगा, ये चीजें निकल कर आएगी, ठीक है, राइट। इनमें से आपको कोई भी मतलब या तो इतने में से दे देगा, या फिर इतने में से दे देगा, या फिर इन दोनों को इक्वल करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे को इक्वल दिखाना और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। टेंशन मतलब मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा जब हम क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, ठीक है, राइट। तो एक चीज तो यह हो गया अपने पास, एक चीज तो यह हो गया। दूसरी चीज क्या हो सकती है, अभी तो हमने क्या लिया था, छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन, ठीक है। अब हम लेंगे छोटी लाइन डिवाइड बाय इस लाइन के डिवाइड में ये लाइन करते हैं, ठीक है, बस इतना सा काम करना है। AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC, ओके। तो इस लाइन को हम क्या लिख देंगे, एज इट इज, थर्ड साइड को DE अपॉन में PC, बस। ये दो चीजें आपको समझनी है इस थ्योरम में, और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दो पॉइंट आपको समझ आए होंगे, और इसके साथ साथ जो पॉइंट होंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चनों को मैं आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं, देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने पढ़ ली है, साथ में इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, कुछ नहीं वो बस थोड़ा सा उसको ही चेंज किया गया है कि क्या, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। इस मैं क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। देखो मान लिया जाए कि आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाता है, जिसका नाम है ABC, और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली जाती है, पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है, और वो पैरेलल लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ की जाती है कि इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, AB पर मिड पॉइंट जो होगा वो आपका D होगा, और AC पर जो मिड पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, A होगा, ठीक है। बस इतनी चीज आप समझना। मान लो देखो इसको कैसे प्रूफ करते हैं, कि मान लो कि आपके पास AB लाइन है, AB लाइन है, तो ये कैसे बनी, कैसे बनी भाई, ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, इक्वल डिवाइड हो जाएंगी, रेशियो क्या होगा इन दोनों का, इक्वल हो जाएगा, राइट। तो AD प्लस DB, ठीक है, ऐसे बनी होगी। अब मैंने बोल दिया कि अपने पास AD जो है वो DB के बराबर है, ठीक है, DB के बराबर है। अगर ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, AB जो हो जाएगा, AB जो हो जाएगा AD प्लस AD, राइट, क्योंकि DB की जगह चेंज कर दिया हमने, तो AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD हो जाएगा। और यहां से AD जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ AB निकल के आएगा, AD जो निकल के आएगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ AB निकल के आएगा। अगर मेरा AD यहां पर पुट करते हैं इसको, अगर मेरा AD हाफ ऑफ AB है, और ये किसके इक्वल है, DB के, तो इसका मतलब DB भी जो होगा वो आधी लाइन होगी किसके, AB के। तो ये चीज आप जरूर समझना। सेम सिचुएशन आपको AC में भी अप्लाई करनी है, AC में भी अप्लाई करनी है, ठीक है। लेकिन आपको इतने डीप में नहीं जाना है, इतने डीप में नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, क्योंकि आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे और आपको चंद सेकंडों में आंसर देना है। अगर आप इतने डीप में जाए, ये तो बस आपको समझाने के लिए है। तो AE और AC भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे रेशियो में, ठीक है। देखते हैं कि क्या क्या इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो थ्योरम जो बनने वाली वो अपने किस वे में बनेगी, कि AD AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC, ये क्या हो जाएंगे, वन के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम AE को देखो,
अगर हम ए डी को डी बी पुट कर लें तो वन हो जाएगा, राइट। ए ई यहां से निकल के ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और ए ई जो हो जाएगा ई सी के इक्वल हो जाएगा। तो ए ई की जगह हम ई सी पुट कर लेंगे और उसको कट कर देंगे, तो अपना आंसर कितना आएगा, वन आएगा। तो इसका मतलब ये याद रखना कि अगर मिड पॉइंट थ्योरम पर से क्वेश्चन पूछा या फिर मध्य बिंदु से कोई क्वेश्चन पूछा, तो आपको सीधा साधा आंसर क्या करना है, इसमें पुट करके वैल्यू वन के बराबर पुट कर लेने और आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। और एक चीज और इसमें मैं आपको एक चीज और समझाने लगवा रहा हूँ कि जो बीच, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए मिड पॉइंट के कारण, ऐसी सिचुएशन आपकी बन जाए मिड पॉइंट के कारण, तो आपको देखा होगा कि ये जो साइड होती है ये ए डी साइड, ए डी साइड क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, राइट। मतलब रेशियो, हम रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं, रेशियो फाइंड आउट करेंगे क्या, कि जो ए डी रेशियो होगा वो क्या होगा आपका ए बी रेशियो, ठीक है। तो यहां से रेशियो जो ए डी जो होगा वो वन होगा और यहां से ए बी कितना होगा, टू होगा। ये चीज आप याद रखें, कहां पर याद रखनी वो मैं आपको अभी जस्ट बताने वाला हूं। तो एक बार इसमें एक चीज और लिखवा देता हूं मैं, इक्वल टू डी ई, नहीं वो आपके लिए नहीं, ये चीज नहीं आएगी भाई, सॉरी। तो इन दो पॉइंट को आप एक बार याद कर लेना। और थर्ड पॉइंट जो यहां से निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा वो क्या आएगा, कि जो ज्यादातर डी ई रेशियो बी सी का पूछा जा सकता है, ठीक है। डी ई रेशियो बी सी का पूछा जा सकता है, जो कि आपका कितना रेशियो देगा, वन रेशियो टू में दे देगा। मतलब अगर ये लाइन वन होगी तो ये लाइन टू में होगी, ठीक है। ये चीज आप जरूर याद रखें कि मिड पॉइंट से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बीपीटी से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस भी करेंगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम भी समझ आई होगी, ठीक है। और इसी से चलते एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है बीपीटी से, वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर में कैसे निकल के आएगी, एक तो आपका एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके इंटीरियर से पूछे जाते हैं, तो इंटीरियर को पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इंटीरियर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से किस तरह से आपकी ये प्रॉपर्टी थ्योरम वगैरह यूज होने वाली है वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। देखो कैसे होते हैं वो, तो ट्रायंगल उठा लेते हैं एक समझने के लिए, ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया, राइट। और इसी में हम एक क्या काम करते हैं कि एंगल बाइसेक्टर यूज करना है इंटीरियर, तो हम पॉइंट लिख लेते हैं पहले ए बी सी। वैसे तो मैं आपको समझा सकता हूँ, समझा चुका हूँ कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, और इस एंगल को मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा, दो इक्वल पार्ट में, ठीक है। ठीक है भाई, तो यहां आप देखोगे इस ए को जो मैंने किया वो दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल भाग में डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहां से ये पॉइंट अपना डी आ गया, ठीक है। तो आप देखो कि जो यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, कि जो आपका, मैं सीधा डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, समझने की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि समझने के लिए बहुत लंबा जाएगा ये प्रॉपर्टी। तो हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट थोड़ा सा इंटी ले लेते हैं। तो आपको बोला गया है कि जो आपका ए बी है, ए बी डिवाइड बाई ए सी, मतलब इस लाइन का और इस लाइन का रेशियो लेना है जो कि इक्वल होगा किसके, बी डी डिवाइड बाई डी सी, इस लाइन और इस लाइन के रेशियो के इक्वल होगा। बस ये चीज आपको याद रखनी है कि जब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर आपके पास आ जाए और आपसे लाइन दे दी जाती है,
कि ए बी इतनी होगी, ए सी उतनी होगी, और बी सी निकालो, बी डी निकालो, डी सी निकालो, कुछ भी आपको निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज समझना है कि जो ये रेशियो होंगे, ये रेशियो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। एज इट इज हम एक्सटीरियर एंगल में भी देखेंगे, राइट राइट। तो देखते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में भी क्या यूज होता है इसका। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्ट, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में क्या यूज होगा वो हम एक बार ट्रायंगल बना के चेक कर लेते हैं। इस ट्रायंगल को नाम दे दिया मैंने ए बी सी, ठीक है। और हम एक्सटीरियर लेंगे तो इसका मतलब कोई ना कोई एंगल अपना बाहर का होगा। कैसे? इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ लाइन को, राइट। और यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ले लेता हूं मैं इसको, ओके। और इस लाइन को मैं एक बार मिला लेता हूँ दूसरे कलर से, तो नाम थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, फिगर थोड़ी लंबी बन गई, ठीक है। ये आपके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, बाइसेक्टर। कैसे होगा देखो, आप इस पॉइंट को मैं डी ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं ई ले लेता हूँ, राइट। अब देखो क्या होगा कि अगर ये लाइन, ये एंगल मैंने बाइसेक्ट किया, ठीक, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, राइट ओके। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल सी ए सी ई का जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो कौन सा होगा आपका, ए वाला होगा, ये वाला, ठीक है, राइट ओके। एंगल बी दोनों में क्या हो जाएंगे कॉमन, क्योंकि हमने ट्रायंगल लिए हैं ए बी सी और ई बी सी, दो ट्रायंगल लिए हैं इसमें हमने, कौन कौन से देखो, एक तो ए बी सी ट्रायंगल लिया है, राइट। दूसरा जो ट्रायंगल लिया है वो कौन सा लिया है, ट्रायंगल ई सी बी, ओके। इसमें क्या होगा, एंगल बी जो कॉमन हो जाएगा और ए सी ई का एंगल ए के साथ कनेक्ट हो जाएगा, राइट। और एंगल सी ए सी बी जो होगा ए ई सी के, मतलब आपको अगर समझ भी नहीं आया तो आप इतना मत समझना है, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि अपने जो बी ई लेंथ होगी, बी ई लेंथ होगी, ठीक है, अपॉन में क्या ए ई लेंथ लेंगे, ठीक, ए ई लेंथ लेंगे, राइट, इज इक्वल टू दूसरी साइड से जो लें, मतलब ये कंप्लीट लेंथ और डिवाइड बाई ये लेंथ, राइट। अब अगर हम बड़े ट्रायंगल की बात करें तो बड़े ट्रायंगल में हमने बी सी लिया था, ठीक है, बी सी लेंगे, बी सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगी, ए सी, बी सी डिवाइड बाई ए सी। ये कैसे यूज होती है, ये आप इतने टेंशन मत लेना, ये आपकी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, बहुत आपको सिर्फ सिंपल सी याद रखनी है।
अगर आप मैं इसको पूरे को सोल्व करूंगा तो ये कम से कम आधा घंटा 15 या 20 मिनट एक प्रॉपर्टी आपकी ले जाएगी, ठीक है। तो लेकिन जो काम काम की प्रॉपर्टी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और समझा चुका हूँ, तो बस उन पे फोकस रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस ये 4 पॉइंट और बताए मैंने आपको, कौन कौन से, एक तो बीपीटी सॉरी सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंट और सिमिलर बताए हैं, ठीक है। इनके ऊपर जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है वो किस किस तरह से आ सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से आ सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से आ सकते हैं और इस प्रॉपर्टी से आ सकते हैं, और लास्ट वन कौन सी है, इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके साथ साथ जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जो फार्मूला आपका बनेगा उस फार्मूले बेस पर मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ, क्वेश्चन अभी किए नहीं, लेकिन पहले हम चैप्टर के बेसिक तरीके को पूरे अच्छे से समझ लें, फिर उसके कुछ 50 या 100 क्वेश्चन जितने बनेंगे अपने से उतने ट्राई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई प्रॉपर्टी के साथ, ताकि आपके क्वेश्चन पे बेस रिलेटेड अच्छे हों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।